नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोहित सिंगल है और हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा था। मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन में मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे, अगर आपको याद हो तो, कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। अगर आपको ध्यान हो तो प्रिंसिपल एरर क्या होता था कि अपन कोई अकाउंट्स के अंदर मिस्टेक करते प्रिंसिपल वाइज, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दें या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करते हैं। फिर प्रिंसिपल के बाद अपन ने पढ़ा था ओमिशन, कि अपन कोई अकाउंट्स के अंदर लिखना ही कोई चीज़ भूल गए, ठीक है। तो ओमिशन दो तरह की होती थी, पार्शियल ओमिशन और कंप्लीट ओमिशन, ठीक है। फिर तीसरा आया था एरर ऑफ अपना कंपनसेटिंग एरर। अगर आपको ध्यान हो तो कंपनसेटिंग एरर अपन ने पढ़ा था कि आपने आपने दो एरर्स कर दी और जो दो एरर्स हो रही है तो वो एग्जैक्टली एक, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि गलती है, वो गलती छुप गई है ना, एक्लिप्स हो गई वो गलती। तो दो एरर करने से वो, जब कोई एरर छुप जाती है तो फिर उसे बोलते हैं अपन कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। तो मेन अपन को यही ध्यान रखना है कि एरर ऑफ कमीशन होती है, अगर अपन ने कहीं पे अमाउंट गलत पोस्ट कर दिया या अकाउंट गलत पोस्ट कर दिया तो वो एरर ऑफ कमीशन होती है। फिर अपन ने देखा था कि एरर रेक्टिफिकेशन किस पर डिपेंड करता है, कि कहाँ पे वो एरर अपन को मिली है। तो हो सकता है कि एरर अपन को ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले मिली हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिली हो लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, और तीसरा होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद एरर का पता लगे अगले साल। तो अपन वो तीन में से एक देख चुके थे कि अगर जो एरर है वो अपन को ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिली। अब अपन देखते हैं अगर एरर अपन को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिली, ठीक है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले। तो अगर अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो वो अपन ने कौन सा यूज अकाउंट किया होगा, सस्पेंस अकाउंट, आपको ध्यान होगा, ठीक है, तभी वो ट्रायल बैलेंस मैच किया होगा। तो अपन देखते हैं इसका एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आप पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो इस एग्जांपल को। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं करे, जैसा मॉड्यूल में सब कुछ दे रखा है वैसे ही मैंने रखा, क्योंकि मैं आपका पूरा मॉड्यूल चाहता हूँ कि कवर हो अच्छी तरीके से। देखो क्या कर रहा है, करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त, ठीक है। तो मिस्टर दत्त है कोई, तो उनकी बुक्स में क्या है एरर अपन को करेक्ट करनी है, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी एरर कर रखी है, इनके अकाउंटेंट को कुछ, अभी अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई इन्होंने चालू नहीं करी है। फिर इसमें बोल रहा है कि इनको 493 का क्रेडिट मिला है ज़्यादा, और जो इन्होंने डिफरेंस था वो सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि अमाउंट मिला एरर, अब अपन ट्रांजेक्शन देखते हैं, अमाउंट मिला 100 रुपये का फ्रॉम डी दास एज ऑन 31 दिसंबर 2015, बट इट इज़ ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। अब बताओ ये कौन सी एरर है, ये एरर कौन सी है, एरर ऑफ ओमिशन। आपने 100 रुपये मिले, आपको 100 रुपये मिले डी दास से, लेकिन आपने इसको कैश बुक में नहीं दिखाया, तो एंट्री क्या करनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो पॉज करो जहाँ से आप, और फिर उसको खुद ही ढूंढने की कोशिश करो कि क्या इसमें करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक, आपको पता होगा रिटर्न इनवर्ड कौन सी होती है, सेल्स रिटर्न, हैज़ बीन कास्ट बाय ₹100 शॉर्ट। मतलब सीधी सीधी बात, ये अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब आपने टोटल, मतलब इसका जो पेमेंट है वो टोटल 100 रुपये से कम दिखा रखा है, रिटर्न इनवर्ड। अब बताओ जरा रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स कौन सा अकाउंट होता है, सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट। तो आपने डेबिट 100 रुपये कम से किया है, अगर आपने डेबिट 100 रुपये से कम किया है तो आपको क्या करना चाहिए, 100 रुपये और डेबिट कर देने चाहिए, ठीक है ना, 100 डेबिट कर दो, अब कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है। लेकिन आपने ट्रायल बैलेंस बना रखा है, तो आपने ट्रायल बैलेंस मैच कैसे किया होगा, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके। तो अब आपको सस्पेंस अकाउंट जो आपने ओपन किया था पहले उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, है ना। तो देखो आप, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर क्या, तो ये एंट्री हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, सेल्स का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का नॉर्मल बैलेंस क्या हुआ, डेबिट। इसने सेल्स रिटर्न को 100 रुपये कम से डेबिट किया है, तो अपन अब सेल्स रिटर्न को 100 रुपये और डेबिट कर देते हैं, ठीक है, तो कर दो डेबिट 100 रुपये से, तो डेबिट हो जाएगा। इसने लेकिन ट्रायल बैलेंस बना रखा है, ऊपर लिखा है ना कि ट्रायल बैलेंस में
493 का एक्सेस क्रेडिट आ रहा है, उसने इसको सस्पेंस अकाउंट में डाला है, मतलब इसने ट्रायल बैलेंस बना रखा है। तो ट्रायल बैलेंस मिलाया कैसे होगा, इसने उस टाइम सस्पेंस अकाउंट डाला होगा, तो अपन को सस्पेंस अकाउंट खत्म करना चाहिए क्योंकि अपन रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स एंड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड एंट्री क्या बोल रहे हैं, इसने ऑफिस फर्नीचर परचेज किया, परचेज ऑफ ऑफिस टेबल सॉरी कॉस्टिंग ₹300 पास थ्रू परचेज डे बुक। क्या मतलब है इसका कि इसने टेबल परचेज करी ऑफिस की, मतलब फर्नीचर परचेज किया, लेकिन इसने परचेज बुक में डाल दिया। तो एंट्री क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, अगर फर्नीचर परचेज करते हैं तो अपन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, चेयर मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टेबल या चेयर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, इसने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो अपन सही एंट्री क्या करेंगे, फर्नीचर को तो डेबिट कर देंगे और जो परचेज है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट एंट्री देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, सी वाला पॉइंट देखो, ठीक है। अब आगे आओ, ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान हो अकाउंट्स डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो होता क्या है कि जब भी अपन असेट का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो असेट के इंस्टॉलेशन तक के सारे एक्सपेंसेस अपन को असेट अकाउंट में डेबिट करने होते हैं। तो इसने क्या किया, शोकेस बनवाया एक, ठीक है, लेकिन शोकेस के अंदर जो इसने वेजेस पे करी मजदूरों को वो वेजेस अकाउंट में डाल दिया। आपको क्या लगता है, शोकेस में डालनी चाहिए या वेजेस में डालनी चाहिए? सर बिल्कुल शोकेस में डालनी चाहिए, क्योंकि असेट का जो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो असेट की कॉस्ट में ऐड हो जाती है, तो अपन यही करेंगे। इसने वही गलती करी जैसे सी पॉइंट में गलती करी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दो और वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो आप देखो एंट्री फर्नीचर डी एंट्री देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस। आप ध्यान रखना आपको एग्जाम में नरेशन भी लिख के आने पड़ेंगे एग्जाम में, है ना, हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखोगे नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं, तो नरेशन लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है नरेशन के अंदर, ठीक है। परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेएबल अकाउंट एज ₹60। अब आप इसकी एंट्री बताओ जरा, इसने क्या किया, परचेज किए गुड्स 67 के। सर क्या एंट्री होती है जब गुड्स परचेज करते हैं, जरा बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स, यही एंट्री करते हैं अपन, ठीक है। अब इसने क्या किया है, इसने 67 का परचेज किया, लेकिन इसको कितने रुपए से दिखा दिया, 60 से, ठीक है, तो इसको दिखाना चाहिए था कितने से, 67 से, लेकिन इसने कितने से दिखा दिया, 60 से। लेकिन आप ध्यान से देखो गलती किस अकाउंट में है, गलती बोल रहा है कि ट्रेड पेबल अकाउंट में गलती है, है ना, तो ट्रेड पेबल अकाउंट में गलती है, तो अपन क्या करेंगे सुधारने के लिए गलती को, सर हम क्या करेंगे कि 60 से क्रेडिट करा इसने ट्रेड पेबल को, तो हम ट्रेड पेबल को और क्रेडिट कर देंगे, कितने से क्रेडिट करेंगे, 7 से, ठीक है। परचेज अकाउंट में तो कोई गलती बोल ही नहीं रहा, तो ट्रायल बैलेंस इसका मैच कैसे किया होगा, इसने सस्पेंस अकाउंट में डाली होगी एंट्री, तो अपन को एंट्री करेक्ट क्या करनी चाहिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट। तो आप देखो जरा क्या यही एंट्री हो रही है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर, आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो या ट्रेड पेबल कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्लियर क्या, ठीक है, इसको अपन रब कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब अपन देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक रिसीव किया कितने का, ₹200 का पीसी जोशी से, अब वो डिसअनोट हो गया, उसको अपन ने पास कर दिया अलाउंसेज अकाउंट से, डेबिट कर दिया अलाउंसेज से। पहले बताओ पीसी जोशी से अगर चेक रिसीव किया तो क्या एंट्री करेंगे, सब बिल्कुल सिंपल एंट्री होती है, आपने पहले भी बताई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीसी जोशी, ये एंट्री पास करोगे। अब ये डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री पास करोगे, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास करनी चाहिए, है ना, ये एंट्री पास करनी चाहिए, अगर चेक डिसऑनर हो गया तो उल्टी एंट्री कर देंगे अपन। लेकिन क्या बोल रहा है, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेड अकाउंट, इसने क्या किया अलाउंसेड अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया, मतलब पीसी जोशी की जगह इसने कौन सा अकाउंट यूज कर लिया, अलाउंसेस। तो सर क्या करें करेक्ट एंट्री करने के लिए, बिल्कुल सिंपल है, पीसी जोशी को आप डेबिट कर दो, तो पीसी जोशी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर दो,
तो आप देखो जरा ऐसा हो रहा है क्या। तो पी सी जोशी टू अलाउंसेस एफ एंट्री देखो, ठीक है। चलो अब आप नेक्स्ट एंट्री देखो जरा, बताओ इसकी क्या एंट्री होगी। ट्रांजेक्शन 1000 पे करे परचेज ऑफ मोटरसाइकिल के लिए, उसको आपने डाल दिया मिसलिनियस एक्सपेंसेस अकाउंट में, क्या एंट्री करेंगे आप। मोटरसाइकिल जब परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो, व्हीकल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश करते हो। लेकिन इसने क्या करा, मिसलिनियस एक्सपेंस डेबिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, मोटरसाइकिल को तो डेबिट कर देंगे आप या व्हीकल को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट क्या कर देंगे, मिसलिनियस एक्सपेंस। देखो एंट्री क्या हो रही है। अच्छा एक चीज़ और, हाँ अब इसमें एक और पॉइंट अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, इसने जो मोटरसाइकिल परचेज करी है वो मिस्टर दत्त के लिए परचेज करी है, मतलब ये एक ड्राइंग्स है, ठीक है। तो अपन को डेबिट क्या करना चाहिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करनी चाहिए, लेकिन इसने क्या कर दिया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो आप करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे सर, बिल्कुल सिंपल है कि ड्राइंग्स को तो आप डेबिट कर देंगे और मिसलिनियस एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो रही है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस, क्लियर क्या। अब अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, गुड्स अमाउंटेड टू ₹100 रिटर्न बाय कस्टमर एंड टेकन टू इन्वेंट्री बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स। अब आप देखो, आपने गुड्स रिटर्न कर दिए कस्टमर ने, है ना, तो ये कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है परचेज रिटर्न है। सर ये तो सेल्स रिटर्न लग रही है, तो बिल्कुल सेल्स रिटर्न है, तो आपने इसकी एंट्री नहीं करी, तो अब कर दो एंट्री, क्या हो जाएगी बताओ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, है ना। तो बस सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखो, सेल्स ऑफ ₹200 टू सिंग एंड कंपनी वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। आप जरा सोचो, अगर अपन सिंग एंड कंपनी को माल बेचते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, सब बिल्कुल सिंपल है, तो एंट्री होती है सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, यही कह रहा है। लेकिन इसने क्या करा, सिंग एंड कंपनी को तो क्रेडिट कर दिया उल्टा, तो इसने एंट्री में सिंग एंड कंपनी को क्रेडिट कर दिया, मतलब इसने कैसे एंट्री कर दी, टू सिंग एंड कंपनी, ठीक है, ₹200 से। और हमें जबकि सिंग एंड कंपनी को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, तो अब क्या करेंगे ठीक करने के लिए, सिंग एंड कंपनी को तो डेबिट करना चाहिए वो तो किया नहीं और उल्टा क्रेडिट कर दिया, तो अब सिंग एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, वो भी कितने रुपए से, टोटल 400 से, और नीचे लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि इसने क्वेश्चन में देखो ये नहीं बोला कि इसने दूसरे अकाउंट में गलती करी, इसने बोला एंट्री वॉज करेक्टली मेड इन सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में तो ठीक एंट्री करी है, तो बस आप देखो सिंग एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए से, ₹400 से। और सस्पेंस अकाउंट आप लेजर अकाउंट बना सकते हो, तो आप आराम से ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर जो स्टार्टिंग में डिफरेंस आ रहा था कितने का आ रहा था, 493 का, क्वेश्चन में देखो 493 एक्सेस क्रेडिट था, ठीक है, तो अपन वो बैलेंस लिख देंगे, ये 493 आ जाएगा, और फिर उसके बाद अपन ट्राई करेंगे, हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये देखते हैं जरा, गुड्स वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड डेयर ऑफ क्रेडिट। अब ऐसे क्वेश्चनों से डरना नहीं है, पहली बात तो, है ना, ये ऐसे सोचो आप कि ये चीज़ क्या हो गई है, तो ऐसा नहीं है, अपन सब चीज़ पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ा था कि सब्सिडरी बुक क्या होती है, याद है आपको, ठीक है, बताओ कितनी सब्सिडरी बुक होती थी टोटल, बताओ जरा, 8 सब्सिडरी बुक थी, कौन कौन सी थी, नाम रिवाइज करो माइंड में, एक तो परचेज बुक थी, एक सेल्स बुक थी, एक परचेज रिटर्न बुक थी, एक सेल्स रिटर्न बुक थी, एक बीआर बुक थी, एक बीपी बुक थी, और एक कैश बुक थी, और एक जनरल प्रॉपर था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कैश बुक जो होती है वो दोनों होती है, सब्सिडरी बुक भी होती है और लेजर बुक भी होती है। और अपन एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले जनरल एंट्री करते हैं, फिर उससे एंट्री जाती है सब्सिडरी बुक्स में, फिर जाती है लेजर के अंदर, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में। तो अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कि गुड्स ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। ऐसा करना चाहिए था क्या इसको, अगर गुड्स रिटर्न करें शर्मा ने, मिस्टर शर्मा ने, तो पहली बात तो ये सेल्स रिटर्न है, तो इसको सेल्स बुक में थोड़ा डालना चाहिए, इसको सेल्स रिटर्न बुक में डालना चाहिए। तो पहली गलती तो भाई साहब ने ये कर दी कि सेल्स अकाउंट में डाल दिया, और वो भी फिर उसके क्रेडिट में डाल दिया, ठीक है। तो आपको एंट्री करनी क्या चाहिए, एंट्री होनी चाहिए
अगर आप सोचो एंट्री, तो सेल्स हिडन अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए से? 100 रुपए से। लेकिन इसने क्या किया, सेल्स बुक में एंट्री पास कर दी, ठीक है। तो सेल्स बुक में जब अपन एंट्री पास करते हैं तो सेल्स क्रेडिट होती है, तो इसने फालतू में सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो अपन ने फालतू में सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो अब सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, लेकिन इसने डेबिट किया नहीं, तो अब सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। देखो एंट्री क्या हो रही है, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्लियर क्या? अब नेक्स्ट एंट्री पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बी पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स, ठीक है। अब जरा बताओ, सेल्स रिटर्न अभी अपन ने पढ़ा, तो सेल्स रिटर्न के अंदर अपन एंट्री पास करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ठीक है भाई। कस्टमर को माल बेचने की एंट्री डेटर टू सेल्स, सेल्स रिटर्न करने की एंट्री सेल्स रिटर्न टू डेटर, लेकिन इसने फिलिप को डेबिट कर दिया, तो गलत कर दिया ना। डेबिट तो किसको करना चाहिए था, सेल्स रिटर्न को, ठीक है, लेकिन इसने किसको डेबिट कर दिया, फिलिप को। तो हम फिलिप को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो फिलिप को क्रेडिट कर दो बस, क्लियर क्या? यही अपन को करना होता है और कुछ नहीं करना होता। फिर बोल रहा है सेल ऑफ, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इसमें आप ये सोचें कि भाई सेल्स रिटर्न को अपन को डेबिट करना पड़ेगा क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है सेल्स रिटर्न बुक में तो एंट्री कर दी ना इसने, जब कर दी तो वो करेक्ट कर दी, तो फिर अपन थोड़ा करेंगे उसमें छेड़छाड़। सेल ऑफ रुपीज 200 मेड टू घनश्याम वॉज रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम। इसने कई सारी गलतियां करी है ना, मेनली दो गलतियां, एक तो घनश्याम दिखना चाहिए आपको, एक राधेश्याम दिखना चाहिए। आपने माल बेचा था किसको, घनश्याम को, लेकिन आपने डाल दी एंट्री किसमें, राधेश्याम में। दूसरी गलती क्या है, आपने माल बेचा 200 का, लेकिन आपने एंट्री डाल दी कितने की, 20 रुपये की। वापस पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, सेल ऑफ रुपीज 200 मेड टू घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम। अब घनश्याम को माल बेचते तो क्या एंट्री पास करते, सर सिंपल, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल 200 रुपये से, लेकिन आपने एंट्री पास कर दी राधेश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल कितने से, 20 रुपये से, ठीक है। ये बोल रहा है करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, तो सेल्स डे बुक में तो सही एंट्री हो रखी है, तो राधेश्याम को आपने डेबिट कर दिया गलती से, तो उसको क्रेडिट करो, तो टू राधेश्याम करना पड़ेगा मुझे कितने से, 20 रुपये से। घनश्याम को डेबिट करना चाहिए कितने रुपये से, 200 से, आपने डेबिट नहीं करा, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट करो, और बीच में सस्पेंस आ जाएगा, तो घनश्याम टू राधेश्याम टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो थर्ड एंट्री देखो, घनश्याम टू राधेश्याम टू सस्पेंस अकाउंट। चलो अब अगला एंट्री, अब आप ही बताओ जरा क्या होगा, बैड डेट 450 के राइट ऑफ करे सेल्स लेजर में, लेकिन जनरल लेजर में पोस्टिंग नहीं करी, है ना। जनरल प्रॉपर याद है जो 8th बुक होती है, सब्सिडरी बुक के भी बताया भी था मैंने आपको थोड़े टाइम पहले, और अपन ने पहले भी डिस्कस किया था सब्सिडरी बुक का चैप्टर पढ़ रखा है। अब बताओ जरा बैड डेट होने की एंट्री क्या पास करते हैं, सर बैड डेट डेटर, लेकिन इसने क्या किया, इसने बोल रहा है कि बैड डेब्ट एग्रीगेटिंग 450 वर ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर, तो अब एडजस्ट कर दो, बैड डेब्ट की एंट्री पास कर दो। कितना सा टाइम लगता है बैड डेब्ट टू सस्पेंस अकाउंट, है ना, क्लियर क्या? चलो भाई, क्योंकि इसने सेल्स लेजर में तो कर दी एंट्री पास, बस किसमें नहीं करी है, जनरल लेजर के अंदर, ठीक है। तो अपन जब माल बेचते हैं तो एंट्री करते हैं डेटर टू सेल, और जब बैड डेब्ट हो जाता है तो एंट्री करते हैं बैड डेब्ट टू। उसने सेल लेजर में तो एडजस्ट कर दिया, लेकिन जनरल लेजर में एडजस्ट नहीं किया। अ टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक अमाउंटेड टू ₹250 नॉट पोस्टेड। अब डिस्काउंट अलाउड आपने पोस्ट नहीं किया, तो अब कर दो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 250 से, ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अब देखो तीसरा केस आ रहा है, लास्ट केस अपना, क्या होता है जब मिस्टेक अपन को पकड़ में आ रही है अगले साल, ठीक है, हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो ये केस बनाया आपने। मिस्टेक अपन को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पकड़ में आ रही है, तो अपन इसे बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, है ना। अब अगर आप एएसटी के आपने नाम नंबर याद करे हों, वैसे तो आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको इच्छा है तो कर लेना याद। एएस नंबर 1 क्या था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 2 किसका था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, 3 किसका था, कैश फ्लो, 4 किसका था, कॉन्टीजेंसी एंड इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, और 5 किसका होता है, सर 5 होता है
प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, बड़ा लंबा सा नाम है ना, तो अब ये वही वाला पॉइंट है, प्रायर पीरियड आइटम्स। ठीक है, प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होता है? प्रायर मतलब पहले, पीरियड मतलब समय, ठीक है, आइटम तो क्या बताऊँ मैं आपको, तो प्रायर पीरियड आइटम मतलब के पिछले समय की कोई गलतियाँ इस समय पकड़ी गई है। तो अपन एक अकाउंट यूज़ करते हैं इस केस में, जिसे बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको याद है मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था अकाउंटेंसी के, तब उसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अपन ने, मटेरियलिटी। तो जो ट्रांजेक्शन मटेरियल होता है उसको अपन सेपरेटली दिखाते हैं, उसको मिक्स नहीं कर सकते। तो जब कोई प्रायर पीरियड आइटम मतलब पिछले साल की गलती इस साल पकड़ में आती है, तो पहली बात तो उसको एडजस्ट करते हैं P&L एडजस्टमेंट से, और वो गलती क्योंकि मतलब मेन है, इम्पॉर्टेंट है, तो फिर अपन उसको ऐसा नहीं कि अपन उसको सेपरेटली डिस्क्लोज ना करें, अपन हमेशा उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग से दिखाते हैं, तो ये मटेरियल आइटम होता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। फिर अपन जो P&L एडजस्टमेंट का जो बैलेंस होता है वो लास्ट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अभी अपन करते हैं वो क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब ये क्वेश्चन है, ये कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सब चीज़ें कवर है। तो राम वाज अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू P&L अकाउंट ऑफ दैट ईयर। तो राम क्या है कि परेशान हो गए थे, और इन्होंने क्या है पिछले साल ट्रायल बैलेंस मिला नहीं, तो उन्होंने जो डिफरेंस था वो P&L अकाउंट में डाल दिया। वैसे सस्पेंस में डालते हैं, उन्होंने P&L में डाल दिया। अब नेक्स्ट ईयर इन्होंने आपको अपॉइंट किया, आप CEO ना, इसलिए ठीक है बन जाओगे फ्यूचर CEO आप लोग। तो इनकी ओल्ड बुक्स को एग्जामिन करने पे ये सारी मिस्टेक पता लगी। पहली मिस्टेक क्या है, परचेज ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। कितने रुपये? 3000 रुपये। स्कूटर परचेज किया तो एंट्री क्या करते हैं, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसने एंट्री क्या कर दी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। तो इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। कन्वेंस अकाउंट P&L में जाता है ना, तो वो रेवेन्यू है। तो अब आप एंट्री ठीक कर दो, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस करना चाहिए। लेकिन एक बात समझो, कन्वेंस अकाउंट बचा ही नहीं अब, क्यों? क्योंकि है ना, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की एक विशेषता होती है कि नॉमिनल अकाउंट किधर जाते हैं सर, नॉमिनल अकाउंट तो ट्रेडिंग P&L में चले जाते हैं, या तो ट्रेडिंग में जाएंगे या P&L में जाएंगे। देखो परचेज किधर जाती है, ट्रेडिंग में। कोई भी एक्सपेंस की बात कर लो, सारे के सारे एक्सपेंस किधर जाते हैं, P&L में। सारे की सारी इनकम किधर से होती है, P&L में। सारे लॉस किधर से होते हैं, P&L में। सारे गेन किधर से होते हैं, P&L में। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट या तो ट्रेडिंग में जाते हैं या फिर P&L में जाते हैं, ये कभी बैलेंस बनाते ही नहीं है, बैलेंस शीट में जाते नहीं है। तो अपन जब अगले साल एरर पकड़ में आती है ना, तो एक खास बात है जो आप समझो, जब भी एरर है अगर नॉमिनल अकाउंट के अंदर, तो अपन उस अकाउंट को यूज़ नहीं करेंगे, अपन उसकी जगह यूज़ करेंगे कौन सा अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी अपन ने पढ़ा था ना नाम P&L एडजस्टमेंट, इसका यूज़ आएगा आप नॉमिनल अकाउंट में जब भी एरर पकड़ में आएगी। तो यहाँ पे स्कूटर परचेज किया इसने, लेकिन इसने डेबिट कर दिया कन्वेंस को, तो अपन एंट्री करेंगे स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस नहीं कर सकते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू P&L एडजस्टमेंट, है ना। समझो एक बात को कि कन्वेंस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट क्या है, इनके बैलेंस नहीं बचते, ये मतलब जब भी अराइज होते हैं तो ये इनका खात्म हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। और किधर जाके ख़त्म हो जाते हैं, ये P&L के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर। अब बताओ, देख लो आप सॉल्यूशन कि मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट है ना। सेकेंड एंट्री आप बताओ, परचेज अकाउंट वॉज ओवरकास्ट बाय ₹10,000। अब आपने परचेज अकाउंट ओवरकास्ट कर दिया था, तो आप क्या करो, परचेज को क्रेडिट कर दो। लेकिन सर परचेज तो नॉमिनल अकाउंट होता है, तो हम क्रेडिट तो परचेज को कर नहीं सकते, तो हम किसको क्रेडिट करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कर दो, ठीक है। और डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम P एंटर्ड एज सेल। ओह, कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने, गुड्स परचेज करे P से, एंट्री क्या होनी चाहिए सर, एंट्री सिंपल है, परचेज अकाउंट डेबिट टू P एंट्री होनी चाहिए। लेकिन इस पर्सन ने सेल की तरह दिखा दिया, तो एंट्री कर दी P अकाउंट डेबिट टू सेल। बताओ क्या करें सर, P को क्रेडिट करना चाहिए, नहीं किया, उल्टा डेबिट कर दिया। तो अब हम P को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन डबल अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 4000 से। ठीक है, अब परचेज डेबिट करना चाहिए, लेकिन आपने उसकी जगह सेल्स क्रेडिट कर दिया।
ठीक है, तो आपको परचेज डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स भी डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन परचेज और सेल दोनों कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल। तो नॉमिनल अकाउंट की जगह अपन कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एरर अगले साल पकड़ में आ रही है इसलिए। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी अकाउंट। जरा देखो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू पी अकाउंट कितने थे? थर्ड एंटर सी थर्ड वाले देखो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बताओ जरा क्या है। रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए पोस्टेड टू मिस्टर बी। ओहो, मतलब गलतियाँ इसकी शानदार शानदार नहीं लग रही आपको? कैश मिला ए से है ना, लेकिन पोस्ट कर दिया किधर? बी में। तो क्या करें भाई? तो आपने एंट्री कर दी, करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू ए, लेकिन क्या कर दी? कैश टू बी। तो अपन क्या करेंगे, सर ए को क्रेडिट करना चाहिए तो आप कर दो क्रेडिट, बी को फालतू में डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों किया, तो आप इसको डेबिट कर दो। तो एंट्री हो जाएगी बी अकाउंट डेबिट टू ए कितने से? बस वो तो सिंपल है, 1,000 रुपये से। ठीक है, तो एंट्री बी टू ए 1,000 से। फोर्थ एंट्री देखो जरा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है सर, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम सी वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट ₹500। सर अच्छा ये बताओ, कैश मिलता है सी से तो एंट्री क्या करते हैं? कैश टू सी। लेकिन आपने क्या कर दिया? सी को डेबिट कर दिया कितने से? ₹500 से। तो अब हम सी को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन उल्टा डेबिट कर दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? सी को दो बार क्रेडिट करना पड़ेगा, सी आर करना पड़ेगा 1,000 से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी टोटल 1,000। फिफ्थ पॉइंट देखो। ठीक है, तो ऐसे आपको अकाउंट्स में पकड़ बनानी है, कोई चीज़ रटनी नहीं है। जितना ज़्यादा सोचोगे ना उतना अच्छी बात है अकाउंट्स में, है ना? ठीक है, सोचो आराम से वीडियो पॉज करके, या फिर जब रात को सोओ तो आपको ख्याल आने चाहिए अकाउंट्स के। आप सोच रहे हो अकाउंट्स के बारे में कि ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ था। ठीक है, तो इसमें ना यही चीज़ है कि जितना आप मतलब बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो उतना आपके माइंड में पक्का होता जाएगा। ठीक है, बेस के साथ कभी भी कोई भी अपन को छेड़खानी नहीं करनी है। जितना बेस अच्छा रहेगा उतना आगे मतलब बिल्डिंग बनाने में फायदा रहेगा। आगे देखो, ₹500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू टेकन टू ट्रायल बैलेंस। ठीक है, मतलब ₹500 जो है क्यू को देने चाहिए, है ना? मतलब क्यू एक तरीके से अपना डेटर है, अपन क्यू से ₹500 मांगते हैं। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन अपन ने उसको दिखाया नहीं, तो अब दिखा दो, एंट्री कर दो डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट एक तरीके से। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवल मतलब डेटर टू सस्पेंस, है ना? फिफ्थ एंट्री दो बार आ गई, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। नीचे देखो, ये नीचे भी आ रही है और ये ऊपर भी आ रही है ना, तो सेम एंट्री, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो अब नेक्स्ट एंट्री की बात करो जरा। सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹2,000 वॉज ओमिटेड टू रिकॉर्ड इट। गुड्स बेचे आर को, तो एंट्री क्या करनी चाहिए? आर टू सेल्स। अब लेकिन इसने रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो अपन क्या करेंगे? आर अकाउंट डेबिट टू पी एन एल एडजस्टमेंट, क्योंकि सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो आर अकाउंट डेबिट टू पी एन एल एडजस्टमेंट, देखो सेवन्थ एंट्री। ठीक है, चलो अब एट्थ वाला आप ट्रांजेक्शन खुद बताओ भाई कि क्या करेंगे। अमाउंट ऑफ ₹2,395 ऑफ परचेज वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2,500। तो आपने परचेज क्या है कम का किया था, लेकिन ज़्यादा का दिखा दिया। तो अब क्या करेंगे? परचेज ज़्यादा का दिखा दिया तो परचेज को क्रेडिट कर दो, लेकिन क्रेडिट कर नहीं पाएंगे परचेज को, क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है। तो हम किसको यूज़ करेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। कैलकुलेटर लेके बैठे करो साथ में, तो 2,593 माइनस करो 2,395 से आ जाएगा आंसर। क्लियर क्या? तो ये देखो आप, ये एट एंटर देखो। ठीक है, तो 2,593 और 2,395 का डिफरेंस सस्पेंस टू पेनल एडजस्टमेंट 198 से। अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो एक पॉइंट अपना रह गया, मिस्टर रॉय ने इस असेट को यूज़ किया है जो ऊपर व्हीकल था स्कूटर, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन भी लगाना है। ठीक है, तो अपन टोटल 3,000 से नहीं करेंगे एडजस्टमेंट, अपन 3,000 माइनस 10% कितना होता है? 300, मतलब ₹2,700, 2,700 से एडजस्टमेंट करेंगे। तो एंट्री बिल्कुल सेम हो जाएगी, लेकिन कितने रुपए से होगी? 2,700 से हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन का एंड कैसे करें। सर आपको एट्थ एंट्री तक तो समझ में आ ही गया,
अब जो एंड है वो अपन को क्या करना है, अब अपन को दो अकाउंट बनाने हैं अपनी रफ कॉपी के अंदर या कॉपी के अंदर, ठीक है, एग्जाम में दिखा के आने हैं। एक तो बनाना है पेंडल एडजस्टमेंट, एक बनाना है सस्पेंस। तो इसको बनाओ पूरा का पूरा, लेजर पोस्टिंग करो। और जो लास्ट में बैलेंस है, मैंने आपको बताया था कि पेंडल एडजस्टमेंट का बैलेंस अपन किधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में, सॉरी, इसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो आपने इसमें कर भी रखा है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस भी अपन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लास्ट में इस तरीके से काम होगा, ठीक है। ये भी बैलेंसिंग फिगर है और ये भी बैलेंसिंग फिगर है, क्लियर क्या? तो बस इतना पढ़ लो आप इस चैप्टर के अंदर। थैंक यू।